तो न्यूमेरिकल में एनर्जी ऑफ द फोटोन सबको पता है, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, ये नया फॉर्मूला है, ये देख लें, यहाँ पे लिख लें, पी स्टैंड फॉर पावर एंड ई स्टैंड फॉर एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, तो ये आपको क्या देगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ऐसा इसलिए, मान लो एक रेडिएशंस हैं, रेडिएशन में बहुत सारे फोटॉन्स हैं, बहुत सारे फोटोन में पावर की वैल्यू, मतलब सारे फोटॉन्स की पावर, ऑल फोटॉन्स की पावर मान लो 100 वॉट है। 100 वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो मान लो पावर सभी फोटॉन्स की दे दी, अगर मैं सभी फोटॉन्स की पावर को यहाँ पे पुट करूँ 100 जूल पर सेकेंड, और इसको डिवाइड करूँ एक फोटोन की एनर्जी से, मान लो एक फोटोन की एनर्जी सिर्फ 10 है, 10 जूल है, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कैन बी कैलकुलेटेड, जूल से जूल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 10 फोटॉन्स हैं 1 सेकेंड में, ये पता लगता है। तो ये फॉर्मूला प्लीज नोट कर लें कि अगर आपको टोटल पावर गिवन है सभी रेडिएशंस की, सभी रेडिएशन मतलब सभी फोटॉन्स की, 100 फोटॉन्स है मान लो, 100 के 100 की पावर गिवन है, अगर आप एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे पर सेकेंड। इसको यूज करेंगे आज हम। नेक्स्ट है मोमेंटम ऑफ फोटोन, एच बाई लैमडा होता है या फिर एच न्यू बाई सी होता है। इक्वलेंट मास ऑफ फोटोन में कुछ नहीं किया, मास को इधर सी को नीचे ले गए, एच न्यू बाई सी स्क्वायर होता है। वर्क फंक्शन क्या है, एच न्यू नॉट है या एच सी बाई लैमडा नॉट है। काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर ई वी नॉट है, हमने कर लिया। और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यानी कि एनर्जी पर सेकेंड क्या होती है, पावर बाई एरिया। ये यूज़ नहीं होती, कम यूज़ होती है। सीधा न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ये सारे फॉर्मूला सबने किए हुए हैं। वॉट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हुज एनर्जी इज गिवन, एनर्जी किस में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ से, तो आंसर जूल में आ जाएगा। तो एनर्जी आ गई फोटोन की, और एनर्जी आ गई जूल में, एनर्जी होती क्या है, एच एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एनर्जी बाय एच। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है 6.6 × 10⁻³, सॉल्व करके क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड, ई इज इक्वल टू एच न्यू। इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो क्या गिवन है अपने को, लैम्डा इज व्यूड एज अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ फोटोन, तो लाइट फोटोन्स की बनी हुई है। वॉट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सिंपल है, लैम्डा पता है तो यहाँ से मीटर में लैम्डा निकाल लेना, और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच सी बाई लैम्डा, तो एच पता है, सी पता है, और लैम्डा पता है, यहाँ से एनर्जी जूल में आएगी। जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्जन करते हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करके आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक। इस क्वेश्चन को देखें नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पावर एमिटेड गिवन है, तो आपको एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको टोटल पावर गिवन है, व्हाट इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ये तो आसान है आप, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप एच न्यू करके ईच फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, एक आंसर। फिर आपको नंबर ऑफ फोटोन बताने हैं, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया था, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। आपको टोटल पावर पता है इस क्वेश्चन में, पी की जगह पुट कर दें, आपको एनर्जी ऑफ ईच फोटोन पता है यहाँ पे पुट कर दें, सॉल्व करके अपने आप आ जाएगा फोटोन्स पर सेकेंड। तो ये स्टेप भी क्लियर है कैसे फॉर्मूले को यूज करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मोनोक्रोमेटिक सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पता हैज अ पावर ऑफ 66 वॉट, पावर पता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स 2 मिनट में कितने निकल रहे हैं। आप एक काम, 2 मिनट को छोड़ो, 1 सेकेंड में कितने फोटोन्स हैं वो आपको निकालना आता है, कैसे, पावर को ई से डिवाइड करके, ई का मतलब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, क्योंकि आपको फोटोन का लैम्डा पता है नैनोमीटर, तो नैनो का मतलब 10⁻¹ क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो एच सी बाई लैम्डा से एनर्जी आ गई जूल में, तो आप पावर को इस जूल में कन्वर्ट की हुई एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे पर सेकेंड। लेकिन आपको तो नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं 2 मिनट में,
तो एक सेकेंड में इतने फोटोन्स हैं, तो 120 सेकेंड में कितने फोटोन निकलेंगे, 2 मिनट में इसको 120 से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, तो इतने फोटो निकलेंगे 120 सेकेंड में। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ में पढ़े। फिफ्थ, है कि इफ 5% ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू एन लाइट बल्ब इज रेडिएटेड एज अ विजिबल लाइट, हमने बल्ब को जो एनर्जी थी सारी की सारी बल्ब ने लाइट में कन्वर्ट नहीं की, लाइट का मतलब है फोटोन्स में कन्वर्ट नहीं की, सिर्फ 5% की। तो जैसे अगर बल्ब की पावर 100 वॉट है तो बिजली की पावर वो लेता है 100 वॉट, लेकिन 5% ऑफ 100 वॉट यानी कि 5 जूल की एनर्जी ये सिर्फ लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो वो कह रहे हैं वेवलेंथ ऑफ फोटोन पता है, तो कितने विजिबल फोटोन दिख पाएंगे हमें, नंबर ऑफ फोटोन बताओ पर सेकेंड। तो पहले लैम्डा पता है एक फोटोन का, एच सी बाई लैम्डा से क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। पावर कितनी है पूरी लाइट की, 100 जूल पर सेकेंड, क्योंकि वॉट्स का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, लेकिन सारी लाइट में कन्वर्ट हो नहीं पाई, इसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो 5 जूल, तो 5 जूल की के फोटोन निकलेंगे, 5 जूल के फोटोन निकलेंगे। तो कितने फोटोन निकले, टोटल एनर्जी 5 जूल है, एक फोटोन की एनर्जी हमें पता है, इन्हें डिवाइड करके नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, फोटोन्स आ जाएंगे। तो टोटल एनर्जी को जो लाइट में कन्वर्ट हुई एक फोटोन की एनर्जी से क्या कर देना है, डिवाइड, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सिक्स्थ में, एनर्जी फ्रॉम द सन इज रिसीव्ड ऑन द अर्थ एट अ रेट ऑफ 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो जो एनर्जी आ रही है रेडिएशन की लाइट की फॉर्म में वो इतनी आ रही है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एक काम करते हैं, कैलोरी में हम काम नहीं करते, जूल में करते हैं, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करके आंसर किस में आ गया, जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर वेवलेंथ लाइट की इतनी है तो आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं, ईच फोटोन एच सी बाई लैमडा से है, इतने जूल ऑफ एनर्जी एक फोटोन की आ गई। आपको निकालना है हाउ मेनी फोटोन्स आर रिसीव्ड ऑन द अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो एक काम करते हैं, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से अगर डिवाइड कर दें तो जूल से जूल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अपने आप ही आंसर नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करके आंसर आएगा, इतने फोटोन रिसीव होंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से। क्लियर है यहां तक? तो फोटोसेंसिटिव सरफेस का वर्क फंक्शन गिवन है, तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट क्या होगा, वर्क फंक्शन बाय एच आंसर। नेक्स्ट, एट, वर्क फंक्शन सीजियम का गिवन है, डब्ल्यू नॉट गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, अगर आपको वर्क फंक्शन गिवन है आपको इसमें निकालनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन होगा क्या, 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट, तो न्यू नॉट कैन बी कैलकुलेटेड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। एक वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ इफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रॉट टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट निकालनी है, तो आपको वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट निकालनी है, तो इक्वेशन क्या होती है, एच न्यू
इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यही क्वेश्चन हमने की थी। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें गिवन है इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी होती है इसकी जगह रिप्लेस किया जा सकता है ई इंटू वी नॉट। एक ही बात है किया था हमने, हाफ एम वी स्क्वायर को ई वी नॉट से रिप्लेस करते हैं। रादर इसमें तो ये वैल्यू गिवन ही है अपने को, तो इसकी जगह रिप्लेस करते हैं 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एच न्यू। एच न्यू को लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा, तो सॉल्व करके क्या जाएगा लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें। Following table gives the value of work function for a given photosensitive metals. तो आपको क्या given है, work function given है W naught तीन metals के। If each these metal is exposed to radiation of wavelength given, तो photon घेरा गया इसकी wavelength ही है, तो बताओ किसमें photoelectric emission होगा किसमें नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस lambda nanometer को meter में convert करके हम energy of each photon निकाल लेते हैं। तो एच सी बाई लैमडा से एनर्जी ऑफ ईच फोटोन आ गया। इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करके क्या आ गई, एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपकी फोटोन की ये एनर्जी है, वर्क फंक्शन पहले केस में ये रहा, आपकी फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से बड़ी है, इसमें एमिशन होगा। आपकी एनर्जी इससे भी बड़ी है, एमिशन होगा। आपकी एनर्जी इससे छोटी है, ये वर्क फंक्शन छोटा है, वर्क फंक्शन बड़ा है इससे, तो इसमें एमिशन नहीं होगा। तो किसमें होगा किसमें नहीं होगा, फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से बड़ी है तो एमिशन होगा, और अगर बड़ी नहीं है तो एमिशन नहीं होगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ इज इंसिडेंट। तो आपको क्या गिवन है, आपको फोटोन की वेवलेंथ पता है, नैनोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लें 10 की पावर माइनस 9। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो यहाँ से पहला पार्ट तो आ ही जाएगा, ई इज इक्वल टू कैसे, एच सी बाय लैम्डा, एक आंसर।
इसको डिवाइड कर लेना 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 से, तो आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेना। बी पार्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे पता है कि एच न्यू किसके इक्वल होता है, एच न्यू होता है वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है ये रहा। तो आपको इस क्वेश्चन में ये निकालना है, आप ये तो निकाल ही चुके हैं एच सी बाई लैम्डा से, तो ये एनर्जी फर्स्ट पार्ट में आ गई। आपको इस केस में, ओह सॉरी, इसमें ये तो गिवन ही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है। लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, ई वी नॉट। आपको ऑलरेडी स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट तो गिवन ही है, आप सीधा यहाँ पे पुट कर दें ई इंटू वी नॉट की जगह 0.54, तो आंसर 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आंसर, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वैल्यू आएगी आपके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। तो हाफ एम वी स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ई वी नॉट से आ गया। वर्क फंक्शन निकालना है, देखो वर्क फंक्शन ईजी है निकालना, क्यों, क्योंकि आपको ये पार्ट आपने बी पार्ट में निकाल लिया, ये ए पार्ट में निकाल लिया, माइनस करके क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहाँ तक? एक क्वेश्चन बड़ा फेमस आता है कि अगर मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा, 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 ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड है। लेकिन अगर आपकी वेवलेंथ लेस देन थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ है तो एमिशन होगा। याद रखना, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड और वेवलेंथ शुड बी लेस देन थ्रेशहोल्ड, दोनों में एमिशन होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो दोनों कंडीशंस हैं फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस। तो यहाँ पर टेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर 11th होमवर्क है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, प्लीज़ ये होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट 12th भी होमवर्क है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड। 13th तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इन सोडियम शोज प्लॉट ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। साफ पता लग रहा है ये फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड है, क्योंकि इसके नीचे एमिशन होगा नहीं, इसके ऊपर एमिशन होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्स, ये रहा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। वर्क फंक्शन निकाल दो, ये भी हो जाएगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, एच इंटू न्यू नॉट, तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो पता ही है, यहाँ से वर्क फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, तो सीधा आंसर आएगा इसमें। 14th में क्या करें, क्या निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट। किसका किसका ग्राफ है, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, क्या सिखाया था, स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ को किससे मल्टीप्लाई कर दें, ई से, तो क्या आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसकी स्लोप निकाल लेना, ट्राइंगल लेके दिस साइड बाई दिस साइड, ये क्या आ जाएगी इसकी स्लोप, स्लोप टेन थीटा, स्लोप को पुट कर देना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना, प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट का रिजल्ट तो बड़ा स्टैंडर्ड वही आएगा जो हमेशा होता है, पर मेथड चेक किया जाएगा कि आपने कैसे किया। तो सीधा रिजल्ट यूज़ कर दिया इसमें, क्लियर है। आज जो थ्योरी की थी ना कि स्लोप को ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा, सेम है। नेक्स्ट में
इन द स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन डिफरेंट मेटल पी एंड क्यू इज शोन बिलो. तो दो ये पी और क्यू का ग्राफ है, वी और फ्रीक्वेंसी का. विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल्स हैव हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. साफ पता लग रहा है इसकी थ्रेशोल्ड बड़ी है क्यू की. तो कितनी है इसकी थ्रेशोल्ड है 6 × 10⁻¹⁴ हर्ट्स. ये इसकी थ्रेशोल्ड है. फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ऑफ ग्रेटर वैल्यू. इसका वर्क फंक्शन निकाल लेना एच इंटू न्यू नॉट करके. एक आंसर और आ गया, ये जूल में आएगा. इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करना तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. नेक्स्ट है फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन फॉर दिस मेटल. आपको लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यानी कि फोटोन की एनर्जी गिवन है, एच न्यू गिवन है. तो आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. देखो आपको एच न्यू गिवन है क्यू का, वर्क फंक्शन आप यहाँ से निकाल लोगे और बचा क्या काइनेटिक एनर्जी. इनको माइनस करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो क्लियर है यहाँ तक कि क्वेश्चन कैसे करना है. तो इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है. नेक्स्ट जो है देखो ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है ठीक है, करने हैं आपने इसके सॉल्व अनसॉल्व सारे ट्राई करने हैं. ये कर 18th करना है, 18th. By how much would the stopping potential for a given photosensitive surface go up? तो stopping potential कितना change हो जाए अगर मैं पीछे से photon की frequency को increase कर दूँ. तो ऐसा करना है आपको, जो stopping potential की form में equation होती है वो क्या होती है, photon की energy minus work function is kinetic energy. तो kinetic energy की जगह क्या put कर सकते हैं, ev naught. तो case number one बनाएंगे, अगर frequency nu one है तो stopping potential v zero one है. केस नंबर टू में अगर फ्रीक्वेंसी न्यू टू है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो टू है. इन दोनों को माइनस करेंगे तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन भी नहीं है क्वेश्चन में. तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो कि मुझे निकालना है, डिफरेंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस मुझे पता है, दोनों फ्रीक्वेंसी मुझे पता है. तो क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट होमवर्क है 20th. ये भी सिंपल है वैसे, बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. 22 में मैं ये बताना चाहता हूँ, इसका खैर सेकेंड पार्ट तो नहीं हो पाएगा, फर्स्ट पार्ट है. आपको ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको ना तीन टाइप की रेडिएशन दे रहा है, एक विजिबल रीजन में, एक वायलेट कलर की जिसकी वेवलेंथ के बराबर है, एक येलो ग्रीन कलर की जिसकी वेवलेंथ के बराबर है. तो आपको तीन रेडिएशन दे रहा है. अब वो कह रहा है कि फाइंड द एनर्जीज ऑफ द फोटोन. तो आप तीन एनर्जीज निकाल ही लोगे, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा से बात खत्म. फिर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ना कहेगा कि एक फोटो सेंसिटिव मेटल पे गिरा गया इसे, जिसका वर्क फंक्शन जो है वो हमें मालूम है. या फिर ऐसा कहेगा, एक फोटो सेंसिटिव मेटल पे गिरा गया जिसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें मालूम है, तो क्या एमिशन होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है. तो अगर तो वर्क फंक्शन देता है, तो वर्क फंक्शन का देने का मतलब एक तरीके से क्या देना, लैम्डा नॉट की वैल्यू को देना. तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आप निकाल लोगे तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, अगर आपका ये 390 नैनोमीटर इस लैम्डा नॉट से कम है तो आप बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और अगर ग्रेटर है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. तो ऐसे एक एक कलर की वेवलेंथ आप चेक करेंगे लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से. तो अगर फ्रीक्वेंसी छोटी है कलर की, सॉरी अगर वेवलेंथ छोटी है कलर की,
तो फिर एमिशन होगा, नहीं तो एमिशन नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? तो ऐसे इस तरीके से आप आंसर देंगे।